ग्रामर किसी भी ज़बान को जब आप लिखें या उसमें बात करें तो इम्पॉर्टेंट होती है और वर्ब टेंसिस उसका एक अहम हिस्सा है मसला हमें अक्सर ग्रामर में इसलिए आता है कि फर्स्ट लैंग्वेज इंटरफेरेंस की वजह से यानी कि जो हमारी मादरी ज़बान है उर्दू या पंजाबी या सिंधी या जो भी उसकी ग्रामर डिफरेंट है और जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो उसकी ग्रामर डिफरेंट है कई दफ़ा जो ग्रामर हमारी औरिजिनल जो मदर टंग की होती है वो उसके साथ इंटरफियर करती है और हम उसी तरह जुमलों को तरतीब देते हैं या वर्ब टेंसेज को इस्तेमाल करते हैं जैसे कि हमारी अपनी ज़बान में होता है इसकी एक मिसाल ये हो सकती है जैसे अगर आप कहें मैंने खाना नहीं खाया और आप कहें मैंने खाना खाया तो दोनों में चाहे नहीं खाया या खाया जो खाया का वर्ड है वो सेम रहता है इसी तरह जब हम इंग्लिश में बात करते हैं तो कई दफ़ा लोग गलत कह देते हैं कि कई जैसे पास टेंस नहीं कहने की जगह पर भी वो पास टेंस कर देते हैं जैसे कहना है आई डिड नाट गो देयर वो कह देते हैं आई डिड नॉट वेंट देर तो ये इसका ये मतलब नहीं है कि उनकी कोई आ, ऐसी कोई कमी है या उनकी समझ में कमी है सिर्फ यह कि वो अपनी ज़बान की ग्रामर दूसरी जबान के ऊपर इम्पोज़ कर रहे हैं तो उससे थोड़ी सी कन्फ्यूजन हो जाती है अक्सर अग अगर आप देखें गुरु डॉट कॉम वगैरह के ऊपर जब उन्होंने असाइनमेंट्स के लिए लोगों को कॉल किया होता है कि आप पिच करें और ये हमारी असाइनमेंट है तो उसमें जो उन्होंने कंडीशंस दी होती हैं उसमें कई दफ़ा उन्होंने कहा होता है कि आपकी फ़र्स्ट लैंग्वेज स्पीकर वाली प्रोफेशनसी होनी चाहिए यानी आप इतने फ्लूंट होने चाहिए जैसे कि यही आपकी मदर टंग या मादरी जबान है तो अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे या पढ़ेंगे ज़्यादा जो आपको ऑनलाइन रिसोर्सेस हम बताएंगे उनका इस्तेमाल करेंगे तो आपकी भी प्रोफिशेंसी इस ऐसी ही हो सकती है जैसे कि बहुत से पाकिस्तानियों की है भी और और भी लोगों की हो सकती है जैसे कि आपकी यही मदर टंग हो तो लेट्स सी सम कॉमन मिस्टेक्स दैट वी मेक और आ, उसका क्या करेक्ट वर्जन क्या है एक कॉमन एरर ये है कि जैसे हम बात करते हुए कहते हैं शी टोल्ड टू मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी उसका करेक्ट वर्जन है शी टोल्ड मी एन इंटरेस्टिंग स्टोरी टोल्ड के साथ टू नहीं आता सेड uh, के साथ आता है लेकिन टोल्ड के साथ नहीं आता बेशक सेड का और टोल्ड का एक ही या मिलता जुलता मतलब है लेकिन वो वर्ब्स डिफरेंट है और उनका इस्तेमाल डिफरेंट है सो शी सेड टू मी होगा लेकिन टोल्ड के साथ टू का लफ्ज़ नहीं लगेगा सो दीज आर सम लिटिल मिस्टेक्स दैट गिव अवे द फैक्ट कि ये आपकी फ्लुएंसी इतनी नहीं है जितनी कि किसी नेटिव स्पीकर की होगी तो इनका ख्याल रखना इसलिए ज़रूरी है शी टोल्ड दैट शी वुड कम लेकिन ये अब इसमें ये बताना लाजमी है कि किसको बताया तो शी टोल्ड मी दैट शी वुड कम या शी सेड दैट शी वुडन कम अगर सेड यूज़ होगा तो फिर ये कहने की जरूरत नहीं है कि किसको कहा लेकिन टोल्ड के साथ ये बताने की ज़रूरत है तो थोड़ा सा ये वर्ब्स हैं तो ऑलमोस्ट हम मानी लेकिन इनके इस्तेमाल में और इनके साथ जो ग्रामर यूज़ होती है उसमें हल्का सा डिफरेंस है एंड दीज आर मिस्टेक्स दैट वी कॉमनली मेक तो ये इसलिए हमने निकाल के आपके सामने इनको दिखा रहे हैं अच्छा इसमें एक और इनकरेक्ट वर्जन जो है वो है आई वॉन्ट दैट यू शुड बी माई पार्टनर ये इसमें भी बहुत से वर्ड्स एक्स्ट्रा यूज़ किए हुए इसका करेक्ट वर्जन होगा आई वॉन्ट यू टू बी माई पार्टनर इसी तरह एक और जुमला है शी सजेस्टेड मी टू कंसल्ट अ डॉक्टर एंड द करेक्ट वर्जन वुड बी

ग्रामर और ये सारी चीज़ों की नोक पलक दुरुस्त करना ज़रूरी है क्योंकि उससे बाकी जो आप कॉन्टेंट है या जो आप बात कर रहे हैं उसकी क्रेडिबिलिटी ख़राब हो जाती है ये लैंग्वेज या ये ग़लतियाँ या इसी तरह से आप उस सूरत में यूज़ कर सकते हैं जब आपने कोई ऐसी कहानी बनाई है जिसका कोई कैरेक्टर है जिसको आपने शो करना है कि वो सही इंग्लिश नहीं बोल पाता तो उस सेंस में या उस सूरत में आप इस तरह की लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं या रन ऑन sentences जैसे वैसे तो कहा जाता है कि प्रॉपर सेंटेंसेस होने चाहिए लेकिन अगर किसी की स्पीच है या कोई बात कर रहा है डायलॉग है और वो कैरेक्टर की नोयीत ऐसी है कि वो ऐसे करे तो उस सूरत में आप ये ये वाले ग़लतियाँ यूज़ कर सकते हैं लेकिन आपको मालूम होना चाहिए कि ये हैं गलतियाँ और उसकी कॉन्शियस अवेयरनेस के साथ फिर आप उसको यूज़ करें उसके अलावा एक और इनकरेक्ट है वी डिस्कस्ड अबाउट हिज प्लान दिस इज़ अ वेरी वेरी कॉमन एयर बहुत ज़्यादा भी पढ़े लिखे लोग भी अक्सर ये कहते हुए पाए जाते हैं कि हमने वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस डिस्कस अपने में एक कम्प्लीट वर्ब है वी डिस्कस्ड हिज प्लान का मतलब है कि हमने इस चीज़ के बारे में बात की तो दोबारा से अबाउट का वर्ड यूज़ करने की जरूरत नहीं है आप इसके बाद नोट करिएगा कि कितने लोगों को आप सुनते हैं ये वाली गलतियाँ करते हुए इनकरेक्ट ये है ही डिस्क्राइब्ड अबाउट द सिचुएशन अगेन डिस्क्राइब का मतलब है किसी चीज़ के बारे में बताना अबाउट के कहने की ज़रूरत नहीं है द करेक्ट वर्जन इज़ ही डिस्क्राइब द सिचुएशन इसी तरह और कुछ मिसालें हैं आई हैव ऑर्डर्ड फॉर टू कप्स ऑफ कॉफ़ी ये गलत है इसमें फॉर नहीं लगेगा आई हैव ऑर्डर्ड टू कप्स ऑफ कॉफ़ी अगर आप कहें आई हैव आस्कड फॉर तो फिर वो करेक्ट होगा आई हैव आस्क फॉर टू कप्स ऑफ कॉफ़ी तो ये हम मानी अल्फाज होते हैं तो उनका एक का जो वर्ब इस्तेमाल करने का तरीक़ा है वो दूसरे के ऊपर भी हम कई दफ़ा अप्लाई कर देते हैं विच इज़ नॉट करेक्ट शी रिक्वेस्टेड फॉर माई हेल्प इज़ इनकरेक्ट एंड द करेक्ट वर्जन इज शी रिक्वेस्टेड माई हेल्प इसी तरह कुछ होते हैं जो किसी सूरत में चल जाते हैं बस बॉर्डर लाइन होते हैं बिल्कुल इनकरेक्ट भी नहीं होते लेकिन ये कि उनको कम ही इस्तेमाल करें तो बेहतर है जैसे हम कंटिन्यूस टेंस जो है उसको हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं जैसे आई विल बी गोइंग आउट उससे बेहतर है ये कहना आई विल गो आउट किसी सिचुएशन में वो भी चल सकता है लेकिन ये कि usually नॉट और वो अगेन अगर आप ये बता रहे हैं कि कोई शख्स बोल रहा है तो उसके हिसाब से फिर वो ठीक हो सकता है, क्योंकि बोलने में हम अक्सर थोड़ी सी इनकरेक्ट ग्रामर बोल भी लेते हैं अच्छा इसी तरह इनकरेक्ट ये है वी डिड नॉट वेंट देर करेक्ट है वी डिड नॉट गो देर अगर कोई काम हुआ नहीं है तो उसको पास टेंस में फिर जुमले में नहीं बताया जाएगा उसको आ, उसका जो ओरिजिनल ट्रेंड्स है उसी में बताएंगे फर्स्ट फॉर्म में अच्छा ग्रामर तो आप सीखते हैं जैसे किताबें पढ़ते हैं उस तरह आपको ज़्यादा उसकी लैंग्वेज की समझ आती जाती है उसके कोई और भी तरीके हैं कोई ये ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिन पे कि आप अपना टेक्स्ट डाल के और उसको चेक कर सकते हैं जैसे आप टाइप करते जाएंगे और वैसे ही आप आ, की जो है वो असलाह या उसमें वो हाईलाइट करते जाती हैं ये ग्रामरली इज़ अ टॉप क्रिएटेड वेबसाइट फॉर करेक्टिंग ग्रामर तो इसमें जैसे आप अपना टेक्स्ट टाइप करते हैं वो हाईलाइट करता जाता है कि उसको करेक्ट कैसे करते हैं लेट्स हैव अ लुक तो ये ग्रामरली ही ऐप हमने खोली है आप इसको देख सकते हैं अगर इसको आप इंस्टॉल कर लेंगे तो आप इसको जब एम एस ऑफिस में या अपने आप वर्ड के डॉक्यूमेंट्स के ऊपर काम करेंगे तो ये उसके साथ कनेक्ट होगा और उसमें आपको गाइड करता रहेगा जो आपकी गलतियाँ होंगी उसको ये हाईलाइट कर देगा और आपको ऑप्शन देगा कि आप क्लिक करके उसको करेक्ट कर लें थोड़ा सा आपको डेमोस्ट्रेट करके दिखाते हैं तो ये इसमें अब हम कोई एक गलत सेंटेंस जान के टाइप करेंगे लेट सी मैं इसमें लिखूँगी वी हैव नॉट डिड इट अब वो ये देखें वी हैव नॉट डिड इट लिखा है तो वो डिड का लफ्स यहाँ पे गलत है तो उसको हाईलाइट कर रहा है और अंडरलाइन करके बता रहे हैं इसको मैं क्लिक करूँगी ये उसने ऑप्शन दी और मैंने एक्सेप्ट कर लिया अब ये हो गया वी हैव नॉट डन इट तो ये हमने आपको ग्रामरली की जो ऐप है या आप वेबसाइट से इसको एक्सेस करें तो इसका एक आपको हमने फीचर दिखाया है ओबियसली ये ग्रामर करेक्ट करने के लिए एक फ़ोरम है तो इसमें आप ग्रामर की बहुत सी गलतियों की असलाह कर सकते हैं ये आपके एम ऑफिस के साथ भी कनेक्ट हो सकता है और अगर आप क्रोम के ऊपर इसको यूज़ करें गूगल क्रोम के ऊपर और एक्सटेंशन इसकी लगाएं तो फिर ये आप फेसबुक पे लिखें ईमेल पे लिखें जहाँ पे भी लिखेंगे दिस विल कंटिन्यू टू गाइड यू कि ये यहाँ पे आपकी एरर्स हैं उनको हाईलाइट कर देगा एंड यू कैन चेंज देम एज़ हैज़ बिन पॉइंटेड आउट टू यू तो एक्सप्लोर करें इसको एंड दिस विल डेफिनेटली गिव यू अ बेटर आइडिया ऑफ हाउ ग्रामर इज़ टू बी यूज्ड